टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द पेनिसिलियम जी, यानी पेनिसिलियम जी की केमिकल जो स्ट्रक्चर है यानी संरचना हम किस प्रकार बनाएंगे उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पेनिसिलियम जी की केमिकल संरचना बनाने से पहले हमें बनाने के लिए हमें सबसे पहले फेनिल लेना होगा। तो इसकी स्थिति पर यहाँ पर हमें जोड़ना होगा CH2, इसके बाद में CH2 जोड़ा, CH2 जोड़ा, इसके बाद में NH जोड़ा। NH जोड़ने के बाद में यहाँ पर जोड़ेंगे हम, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ इस स्थिति पर हम जोड़ेंगे C(OO) जोड़ेंगे। अब यहाँ पर नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे। नाइट्रोजन को ऐड करने के बाद में इस स्थिति पर जोड़ेंगे हम यहाँ पर सल्फर S, और यहाँ पर जोड़ेंगे हम CH3 और ये C(OH) ये जोड़ेंगे, यानी कार्बोक्सिलिक समूह है, एसिड है। तो C6H5 में यानी फेनिल CH2 NH, इसको यहाँ से जोड़ने के बाद में मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन है, तो कार्बन होता है चतुसंयोजी, यानी चार हाइड्रोजन इससे जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमें हाइड्रोजन ऐड करना होगा। इसके बाद में ये नाइट्रोजन है, ये CH2OH है और CH3 है, इसे बोलेंगे हम पेनिसिलियम जी केमिकल स्ट्रक्चर, यानी पेनिसिलियम जी की रासायनिक संरचना है। C6 दोबारा देखिए कि हम C6H5 यानी फेनिल है, CH2 जोड़ेंगे, C(OH) जोड़ेंगे, ये NH है यानी एमीन समूह है, तो इस पर हम C(OO) इस स्थिति पर जोड़ेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन जोड़ेंगे। नाइट्रोजन जोड़ने के बाद में कार्बन चतुर्संयोजी होता है 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे। सल्फर इस स्थिति पर जोड़ने के बाद में इस स्थिति पर हमें CH3 जोड़ना है, ये C(OO) है। यदि हम इसको नहीं लिखते हैं हम, तो हम यहाँ पर RC(OO)NH भी लिख सकते हैं। इस स्थिति की जगह हम ये भी ऐड कर सकते हैं, इसको यहाँ से ऐसे कैसे ऐड कर सकते हैं, इस प्रकार भी पेनिसिलियम जी की केमिकल संरचना हम बना सकते हैं। इस जगह की जगह हमें RC(OO) जोड़ना है ओनली, और NH ये बाकी ऐसे का ऐसा है, इसे बोलते हैं पेनिसिलियम जी की केमिकल संरचना। धन्यवाद।